नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम। हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम एवं अलग अलग विषय लेकर आते हैं। विशेषज्ञ से तो विस्तार से चर्चा होती ही है विषय के बारे में, लेकिन इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। इसके लिए अलग अलग माध्यमों का आप प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या सीधे सीधे टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जुड़ सकते हैं और उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल विषय से जुड़े हुए ही होने चाहिए। तो आइए बता दें आपको आज के विषयों के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो हैं कृषि एवं खाद्य पदार्थों का निर्यात और अंगूर के बगीचे की देखभाल। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इनके बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करनी है, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें जब भी आप व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सवाल भेजते हैं। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। डॉक्टर सुधांशु इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि सचिव हैं एपीडा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुधांशु। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सोम कुंवर जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जी। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात की स्थिति के बारे में अगर बातचीत की शुरुआत करें तो डॉक्टर सुधांशु, इसमें हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अगर जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो इस क्षेत्र में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और आपने बहुत ही अच्छा, अगर इस समय अगर कृषि निर्यात की अगर बात करें, भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं जी, पिछले विगत कुछ वर्षों में जिसके परिणाम आ रहे हैं, और भारत एक कृषि प्रधान देश है और अपार संभावनाएं हैं। अगर हम लोग चाहे बागवानी क्षेत्र की अगर बात करें, चाहे हम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की बात करें, हमारे सीरियल्स की है, उसमें काफी अच्छी क्षमताएं हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट में कई, हम अगर फल सब्जियों की बात करें, कुछ फल है, हमारा आम का सीजन इस टाइम चल ही रहा है। आम के सीजन में इस बार कई मार्केट्स में हम लोग वहां पर सफलताएं हम लोगों को मिली हैं उसमें। और सब्जियों की बात करें, सब्जियों में भी हम लोग अच्छा ढंग से अच्छे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। प्रोसेसिंग की अगर बात करें, चूंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान होने की वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल है देश में, तो रॉ मटेरियल है तो इसलिए प्रसंस्करण की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ से हमें जो उसका जो मूल्य है वो अच्छा मिलता है, अगर हम उसके अगर ताजा फॉर्म में अगर उसे हम ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये जो विकास, जो वृद्धि दर्ज की जा रही है, इसके तहत हम ये मान सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के जो कृषि और खाद्य उत्पादात हैं उनकी मांग अच्छी खासी निकल कर आ रही है। तो इस संभावना का जो है फायदा किसान उठा सकते हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए आप किस तरह से निर्यात से जुड़ सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ करना होगा, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात में सबसे पहले बात करते हैं चावल के निर्यात की। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,01,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात को देखें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था।
वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत अफ्रीका एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में चावल का निर्यात करता है। दालों की बात करें तो दालों के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 88,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 में अप्रैल महीने के दौरान दलहन का कुल निर्यात 44,332 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में अब तक 43,923 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मूंगफली की बात करें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की आय में भी सुधार होता है और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कुंवर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और अंगूर के बगीचों के देखभाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जानना चाहूंगी कि अंगूर की अगर खेती की स्थिति के बारे में जानना चाहें तो इस वक्त किस पैमाने पर देश में इसकी खेती हो रही है, बाजार में मांग कैसी है, किसानों के लिए किस तरह की संभावना इस क्षेत्र में आप देखते हैं? जी, अंगूर की खेती की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं इसमें लगभग 1,50,000 हेक्टर क्षेत्र में इसकी लागू ये हो रही है उपज। अच्छा, महाराष्ट्र एक पहला स्टेट है जिसमें ज्यादा से सबसे ज्यादा मतलब 70-80% एरिया क्षेत्र है। उसके बाद में कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु है और मिजोरम है। मिजोरम जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो अपना एक स्टेट है वहां पर वाइन ग्रेप्स का मध्य निर्मित वाली जो शराब वाली जो बोलते हैं ना वो जो मध्य निर्मित की जो किस्में वो लगाई जाती है वहां पर। ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो इसमें अभी जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, निर्यात जो कर रहे हैं वो निर्यात इतनी है कि लगभग 1-2 साल पहले की अगर हम डेटा लेते हैं तो लगभग 2,300 करोड़ का बिजनेस ये खाली एक अंगूर ने किया है और ये करता है। सो इसका जो शेयर है, ये शेयर बाकी के जो फसलें है, फल फल जो है जिसकी निर्यात होती है उसमें इसका योगदान है, इसका जो शेयर है वो सबसे अधिक है, अधिक है। सो और इसमें से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी उसके ये बना सकते हैं हम किस्में, जैसा कि हम किशमिश बोलते हैं, जूस की वैरायटी है, जूस तैयार कर सकते हैं, खाने के लिए है, निर्यात करने के लिए है। तो इसमें जो स्कोप है ये स्कोप बहुत ज्यादा है। तो उसी के साथ साथ इसमें क्षेत्र में जो बढ़ोतरी होनी है वो बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिल रही है उसी के कारण। बिल्कुल, यानी कि अंगूर से एक तो कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और सीधे सीधे अंगूर की घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी मांग है। ऐसे में इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके लिए गुणवत्ता युक्त उपज हासिल करना बेहद जरूरी है और इसके लिए बागों की देखभाल किस तरह से करें, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया हो सकते हैं। अगर अंगूर की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए अंगूर के बागों की देखभाल करना भी जरूरी है। इस समय अंगूर के बाग में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। वहीं फल सड़न रोग की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा की 40 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा ब्लाइट टॉक्स दवा की 300 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। अंगूर के बागों में मध्यम समय में पकने वाली किस्मों के फल तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। बता दें कि अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है।
पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य है, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है, लेकिन बहुत अधिक तापमान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अधिक तापमान के साथ अधिक आर्द्रता होने से फसल में रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। किसान अंगूर को रोगों से बचाने के लिए समय समय पर फसल की निगरानी भी करते रहे। अंगूर की खेती के लिए काफी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहे। जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर सुधांशु, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी अभी डॉक्टर कुंवर ने हमें बताया है कि अंगूर के बाजार में बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि इसके निर्यात का भी जो हाल बता रहे हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी, काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं और इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि NRC ग्रेप्स जो देश का मेन वैज्ञानिक संस्थान है और उनका बहुत बड़ा रोल है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ग्रेप का जो अंगूर का उत्पादन को ऑर्गेनाइज करने, जहाँ तक APEDA ने सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये पूरा एक जो बागवानी क्षेत्र में एक सफल मॉडल बनाया है। अगर हम ग्रेप एक्सपोर्ट की बात करें पिछले 10 से 15 साल में, जो किसानों का रजिस्ट्रेशन, जो हमारा एक ग्रेपनेट ट्रेसिबिलिटी, ऑनलाइन ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है, भारतवर्ष ने अपनी IT शक्ति को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने उसको ट्रेसिबिलिटी सिस्टम सेटअप किया। उसमें फार्मर जो किसानों का जो पंजीकरण होता है वो हम लोग राज्य सरकार के थ्रू कराते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी है, जो लेबोरेटरी की टेस्टिंग है, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेस्टिसाइड रेजिड्यू को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न दो घरेलू बाजार में भी वो है उसमें बिल्कुल। उसके बाद फिर उसका फाइटोसैनिटरी जो सर्टिफिकेशन होता है, एगमार्क का इंस्पेक्शन होता है यूरोपियन मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब सारे सर्टिफिकेट एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं, तो ग्रेपनेट को हम लोगों ने जब इसको डेवलप करके इम्प्लीमेंट किया तो वैश्विक बाजार में एक लोगों के अंदर एक विश्वास जगा कि भारतवर्ष से जो अंगूर जो वहाँ पैदा हो रहा है, जो निर्यात किया जा रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि जब हम निर्यात की बात करते हैं तो निर्यात में हमें खासतौर पर जो गुणवत्ता वो खास मायने रखती है कि बाजार की रिक्वायरमेंट क्या है। हर बाजार की अपने अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे। तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमारे जो दूसरे मेहमान हैं इस शो पर, डॉक्टर सोम कुंवर, जो काफ़ी समय से इससे जुड़े हुए हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स में। APEDA ने नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स को नेशनल रेफरल लेबोरेटरी बनाया कि जब भी हमारे पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग के कोई अगर इशू आते हैं तो वो नेशनल रेफरल लेबोरेटरी उस टेस्टिंग को उस पर फाइनल वो करती है और लेबोरेटरीज को गाइड करती है कि एडवांस्ड जो टेस्ट जो वैश्विक बाजार में अलग अलग कंट्रीज में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेबोरेटरीज को गाइड करते हैं। तो इससे काफी हम लोगों को सफलता मिली है और इसीलिए जो तैयार किया गया है उसका भी लाभ मिल रहा है। खासतौर पर जो खास बात आपने बताई कि जो उत्पाद है अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तभी बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी, उसका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। तो इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जो अंगूर के बगीचे हैं उनकी देखभाल पर आते हैं, क्योंकि किसान अगर बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे तभी वो अच्छी गुणवत्ता के अंगूर ले पाएंगे। तो ऐसे में डॉक्टर कुंवर आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में इस अधिक बारिश का जो असर है वो अंगूर के बागों में किस तरह का पड़ता है और किस तरह की सावधानी ऐसी स्थिति में किसानों को बरतनी पड़ती है? जी, अभी ऐसा है कि बारिश का ये मौसम है और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि हमने अभी बताया था कि महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है, अभी पहला ज़्यादा क्षेत्र इस पे अंगूर में है। बात यहाँ पर दो बार छटाई होती है और एक बार फसल ली जाती है एक साल में। जी, साउथ में अगर हम जाते हैं तो वहां पर दो बार छटाई होती है और दो बार फसल होती है। नॉर्थ में, उत्तरी भाग में अगर जाते हैं तो एक बार छटाई होती है और एक ही बार फसल ली जाती है। अच्छा। वैसे महाराष्ट्र क्या जो दो बार छटाई और एक बार फसल लेने का जो है समशीतोष्ण बोलते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय जो संभल है,
वहां पर ये सिचुएशन होती है क्योंकि ग्रोथ होती रहती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें करते हैं। तो इसमें फल बिल्कुल डॉक्टर कुंवर आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सत्येंद्र जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सत्येंद्र जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल दोहरा दें। आप अंगूर की खेती करते हैं? करना चाह रहे हैं मैडम। ठीक है जी जी, तो जानना चाहते हैं कि जी बताएं। जी सत्येंद्र जी आइए, आपने जो सवाल पूछा है उसकी जानकारी लेते हैं। और डॉक्टर कुंवर हमें ये बताएं कि औरंगाबाद बिहार में क्या अंगूर की खेती की जा सकती है, अंगूर की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी जलवायु है वो दरअसल किस तरह की होनी चाहिए? जी ये सत्येंद्र जी कहाँ से है? बिहार से हैं, बिहार है? बिहार के रहने वाले हैं सत्येंद्र जी। जी हाँ, तो वहाँ पर भी बिहार में अंगूर की खेती हो सकती है, जैसा कि हम दिल्ली और आगे की जो बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पंजाब है, वहाँ पर पंजाब हरियाणा वहाँ पर जो जिस तरह का वातावरण है वही वातावरण आपको बिहार में भी मिलेगा, वहाँ पर खेती इस अंगूर की खेती जरूर कर सकते हैं हम। लेकिन जो किस्में है अंगूर की, इसमें वो किस्में का उसका जो सिलेक्शन है वो उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी होगा। जी कुछ किस्मों का सुझाव देना चाहेंगे? बारिश जल्दी आने से वहाँ पर जब से जल्दी आने वाली किस्में का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। ठीक, फ्लेम सीडलेस करके नाम की एक किस्में है। दिल्ली सीट वो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI पूसा इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम दिल्ली में, वहां पर परलेट है, अर्ली परलेट जो किस्में है उनकी वो है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ने नई एक किस्म विकसित की है जिसका नाम है मंजरी नवीन, जो जल्दी आने वाली है, जल्दी आने आती है, 110-115 दिन में वो किस्में तैयार हो जाती है। तो ऐसी किस्में वहां पर इस्तेमाल करके हम अंगूर की खेती उस भाग में उस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सत्येंद्र जी विस्तार से जान लिया आपने कि अंगूर की कौन कौन सी किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात और अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, नमस्ते सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अपना खाद्य पदार्थ निर्यात करने के पहले हमें यहाँ पर किसको दिखाना चाहिए कि हमारा ये खाद्य पदार्थ हमारा जो ठीक है कि अंकित है, जिसे हम पदार्थी बाजारों में हमारा खाद्य पदार्थ अंकित न हो पाए। जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर सुधांशु बताएं।
मैं जैसा कि आपका प्रश्न समझ पाया हूं कि आप निर्यात के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जिस जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उसका निर्यात किया जा सकता है जी। तो मैं ये बताना उसके जो गुणवत्ता है क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर है कि नहीं, ये जांच करने के लिए वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं जी। हाँ, इसमें अगर अगर आप ताज़ा फल सब्जी या अगर आप अनाज का अगर उत्पादन करते हैं और उसको निर्यात करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे खास चीज़ है, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है पेस्ट एंड डिजीज़, कि जब भी किसी उसमें अगर कोई पेस्ट एंड डिजीज़ आता है तो वही आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें जिस पेस्टिसाइड का उसमें उसके लिए पेस्टिसाइड वो उपयोगी है जी। तो उसके लिए क्या करना होगा, राज्य बागवानी आपका जो मंत्रालय है हर हर स्टेट में होता है, तो वहाँ यूपी में भी आपका जो यूपी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला बागवानी केंद्र होता है, जिला बागवानी विभाग वहाँ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं उनसे आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं अपनी पैदावार के बारे में कि इसको मैं अच्छी क्वालिटी का करना चाहता हूँ। तो आप शुरुआत से कि कौन सा उसके लिए बीज उपयुक्त होगा, जब बीज का उसके बाद आप जब वहाँ उसकी सोइंग करते हैं, जब आप उसको लगाते हैं, तो उसमें कौन सा, उसमें खाद कौन सी डाली जाए, उर्वरक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, उर्वरक कौन सा हो और कितनी मात्रा में उर्वरक को किया जाए जी, जी। तो उसके बेसिस पे फिर आप एपीडा से जुड़ सकते हैं, एपीडा से आपको ये जानकारी मिल सकती है कि कौन सा बाजार है, पूरा विश्व बाजार है, कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करना चाहते हैं उसके बाजार कहाँ पर है, उस बाजार के मानक क्या है जी। तो उस मानक के हिसाब से आप अपना जो योजना बना सकते हैं कि क्या मुझे प्रोडक्ट उस मार्केट के हिसाब से उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या उसके मानक है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है नंदस्वरूप जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कि अगर आप निर्यात की स्थिति से जुड़ना चाहते हैं तो आपको किस तरह से जानकारियां इससे जुड़ी हुई मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है, वो जानना चाहते हैं कि अंगूर के पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग होने के क्या कारण है और इसकी क्या पहचान है, साथ ही नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो डॉक्टर कुंवर बताएं इस बारे में। जी, अंगूर के पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू जो एक रोग है, फंगल डिसीज कहते हैं हम इसे जी। और ये डिसीज जब एक स्पेसिफिक एक टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है 30 से 32 33 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान बढ़ जाता है, थोड़ा सा क्लाउडी होता है और पत्ते हमारे इसके अंगूर के पत्ते जब पुराने होने शुरू हो जाते हैं तो एक सफोकेटिव इन्वायरमेंट होता है और वही इन्वायरमेंट इनका जो ग्रोथ है, इसके जो बीजाणु है, ये बीजाणु का संक्रमण होने के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। अब इसको कैसे ढूंढे, हम कैसे समझे कि यहाँ ये पाउडरी मिल्ड्यू है। सो पाउडरी मिल्ड्यू मतलब एक पाउडर टाइप, पाउडर कोटिंग एक पत्ते के ऊपर आ जाता है और ज्यादा ही सीरियस केस अगर है, ज्यादा इंफेक्शन अगर ज्यादा है तो ऐसे केस में उसको अगर कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो वो पत्ते का पूरा पोर्शन काला हो जाता है और काला होने के बाद में वहां पर ये समस्या आती है कि उसमें जो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं फोटोसिंथेसिस पत्ते से, वो होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम अगर कंट्रोल करना चाहे तो पहले स्टेज में ऐसा है कि पहले तो हमारी कैनोपी जो है, जो मतलब कि लंबे पत्ते की संख्या है, जो शूट्स है, टहनी है, टहनियों की संख्या है एक वाइन के ऊपर, एक पौधे के ऊपर कितनी होनी है, वो अगर सही तरीके से हम अगर उसको मेंटेन करते हैं तो उसमें ये होता है कि उस कैनोपी में एरेशन रहेगा, हवा के उसमें खिलती रहेगी और हवा अगर खिलती रहे तो उसमें नमी जो है, नमी कम हो जाएगी और उसका इन्फेक्शन कम होगा। तो ये एक मैन्युअली हम जो काम करना है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम बोलते हैं वो एक कर सकते हैं। दूसरा एक उसमें ऊपर रसायन भी है, केमिकल्स जो है, ठीक है, सल्फर बेस्ड फंजीसाइड्स जी, क्वांटॉफ है, सल्टॉफ है, या ऐसे कुछ जो फंजीसाइड्स है, उस फंजीसाइड्स का ये क्वांटॉफ अगर है तो 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम फवारनी कर सकते हैं। सल्फर अगर है तो सल्फर भी हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसका द्रावण और घोल तैयार करके वो पंप के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अंकुर जी जाना आपने कि किस तरह से पाउडरी मिल्ड्यू रोग से छुटकारा मिल सकता है, उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भूपेंद्र जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी हेलो, नमस्कार भूपेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल।
भूपेंद्र जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और अगला सवाल ले लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमें मिला है। कैलाश प्रजापति जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कि अंगूर की कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि अच्छा उत्पादन दे और अंगूर की बेल की कटिंग कब और कैसे करें। जी डॉक्टर कुमार। जी, अंगूर की कटिंग जो सही समय पे करना जरूरी होता है। आपके यहाँ पर अगर तापमान वातावरण अगर बहुत ही खराब है तो हम थोड़ा सा उसका छटाई जो है, कटिंग की बात करते हैं, उसका डेट जो है आगे पीछे कर सकते हैं। जी जी तो ये हम अगर यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर कटाई जो है, छटाई की बात करते हैं हम, वो जब ठंड निकल जाती है, ठंड कम हो जाती है उस पीरियड में हम, जैसा कि जनवरी के लास्ट वीक आखिरी सप्ताह में या तो फरवरी का पहला सप्ताह, उस वक्त अगर छटाई करते हैं तो हमारा मई तक जब हमारी बारिश शुरू हो जाती है उसके पहले हमारी फसल रेडी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो कैलाश जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में जैसे कि आज हम कृषि उत्पादों के निर्यात की स्थिति पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर सुधांशु ने हमें बताया कि फल सब्जियों की स्थिति को अगर देखा जाए तो इनको बहुत अच्छी मांग निकल कर आ रही है और बहुत अच्छा इसका निर्यात चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही मिलेट्स, श्रीअन्न यानी कि कदन जिन्हें हम कहते हैं, इनकी स्थिति पर नजर डालें क्योंकि इस पर काफी जोर इस वक्त दिया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम पोषक अनाज का मना भी रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर सुधांशु हमें बताएं कि इसके लिए किस तरह का इकोसिस्टम एक तैयार हो रहा है और इसका लाभ अभी जो किसान इनसे जुड़ रहे हैं वो किस तरह से ले सकते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने, खास तौर पे चूंकि इस ये साल अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज का है जो मिलेट के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर ये अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स जो है उसको मान्यता मिली है और हम लोग उसको मना रहे हैं। जी। तो जो जहाँ तक इकोसिस्टम की बात है तो प्रोडक्शन से लेके बाजार तक, उत्पादन से बाजार तक की अगर बात करें तो दोनों पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश की गई है और एक तरफ उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है कि डिफरेंट वैरायटीज जो हमारे हैं जो मिलेट्स के श्रीअन्न जिसको नाम दिया है हम लोगों ने उसकी डिफरेंट वैरायटीज, सबसे अच्छी बात यह है कि साथ में प्रोसेसिंग के ऊपर, उसके प्रसंस्करण पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप देखें पिछले एक से दो साल के बीच में काफी प्रसंस्कृत पदार्थ जो श्रीअन्न के मिलेट्स के बाजार में आए हैं। जी। हम लोगों ने यहाँ पूसा में एक प्रोग्राम किया था कुछ महीनों पहले जिसमें हम लोगों ने 100 स्टॉल्स लगाए थे सिर्फ प्रसंस्कृत मिलेट्स के, श्रीअन्न के, जिसमें मिलेट के बिस्किट, मिलेट की नमकीन, मिलेट की आइसक्रीम, मिलेट का मिल्क, मिलेट का पास्ता, मिलेट का नूडल। कभी ये सोचा भी नहीं गया था कि मिलेट जिसे मोटा अनाज करके हम लोग जानते थे कि मोटे अनाज से भी ये सब बनाया जा सकता है। और हम लोगों ने विश्व के बाजार में प्रमोशन प्रोग्राम्स, इस बार हम लोगों ने भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय प्रयास करके हम लोग 15 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, बायर सेलर मीट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे विश्व में हम लोग की, भारतवर्ष एक इसको लीड कर रहा है, भारतवर्ष मिलेट के उसमें मोटे अनाज में इसका नेतृत्व कर रहा है। हम लोग खाली कमोडिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कमोडिटी के साथ साथ प्रसंस्कृत इतनी वैरायटीज को हम लोग मार्केट में वो कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पे मिलेट को हम लोग ये कर रहे हैं कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी। तो इससे वैश्विक बाजार के साथ साथ हमारा घरेलू बाजार भी बहुत अच्छा हो रहा है कि जो जो जब इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं कि सेहत के लिए कैसे अच्छा है। जी। और सेहत की जब हम बात करते हैं तो हर आयु के लोग, बच्चों के लिए उसका अलग आहार है, मध्यम अवस्था के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कौन कौन से मिलेट के आहार के, मिलेट के पदार्थ को अपने डेली आहार में शामिल करें और इसका फायदा उठाएं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है जिससे कि हमारा घरेलू बाजार सुदृढ़ हो रहा है, वैश्विक बाजार सुदृढ़ हो रहा है और उसका फायदा मेनली किसान तक पहुंच रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जो किसान इस बारे में विचार कर रहे हैं वो जरूर इस वक्त इस दिशा में कदम उठा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय है मिलेट्स के, चाहे खेती की बात हो, चाहे फिर इसके निर्यात की बात हो, इसके खाद्य प्रसंस्करण की बात हो, इसमें बहुत संभावनाएं उभर कर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब जी,
जी बताएं हरी सिंह जी। डॉक्टर साहब जी, अंगूर लगाना चाहते हैं और जमीन की जो पीएच है 7.5 है जी, और इसको कलमों द्वारा लगाना हो तो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, इसके बारे में बताया जाए जी। जी डॉक्टर कुंवर बताएं। जी पंजाब में जो आप अंगूर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर हमारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, ये ACRP करके हमारा प्रोजेक्ट है, वो उसके तहत हमारा काम भी शुरू है। सॉइल का पीएच की बात कर रहे हैं आप, पीएच को जनरली हम ग्रेप को अंगूर लगाने के लिए 6.5 to 7.2 की बात करते हैं। आपका जमीन का पीएच 7.5 है, 7.5 को इतना बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है उस पीएच में उस ज्यादा अल्कलिनिटी सैलिनिटी जो है वो सैलिनिटी इसके कारण हो सकती है, एक तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट चूना बोलते हैं हम चुनखड़ी वो हो सकता है, या तो आपका जो पानी है उस पानी में क्षार सोडियम साल्ट हो सकता है। अगर सोडियम साल्ट अगर है तो आपको जिप्सम 150 से 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो जमीन में मिलाना होगा, जिससे एक दो साल अगर आप करते हैं तो जिससे आपका जमीन का पीएच जो है पीएच आपका न्यूट्रल तक 7 तक आ जाएगा जो नॉर्मल माना जाता है। अगर जमीन में अगर चुनखड़ी है कैल्शियम कार्बोनेट अगर है तो आपको सल्फर की मात्रा कम से कम मात्रा होगी 7.5 पीएच अगर है तो ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब सल्फर आपको 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उस जमीन में जो आप गोबर डालेंगे उसमें मिक्स करके जमीन में अच्छी से मिला दो। और आपको फिर बचा है आपका कि कौन सी किस्म लगाना है, कलम किया हुआ चाहिए, कलम की हुआ जो ग्राफ्टेड बोलते प्लांट्स, ग्राफ्टेड प्लांट्स भी रेडीमेड अगर मिलते हैं तो लगाओगे आप तो आपका 6 महीना 7 महीना उसका बचेगा आपका, और अगर नहीं है तो मूलकांड लगाइए, जैसा कि हम बोलते हैं डॉगरीज एक मूलकांड है, और 110R रिचर करके वो एक मूलकांड है, तीसरा 1103P है, साल्ट क्रीक है, ये जो मूलकांड है उसमें से एक कोई भी मूलकांड आप ले सकते हैं। साधारण में जमीन में जो लगाया जाता है वो है डॉगरीज, उसको आप लगा के 6 महीने 7 महीने के बाद में जब वो बढ़ जाएगा और जब कलम करने का जो वक्त आ जाएगा उस वक्त आपका अपनी जो किस्म है सिलेक्ट की हुई, जबकि जैसे कि आपके एरिया में फ्लेम सीडलेस की बात करते हैं हम, पूसा परलेट, अर्ली परलेट की बात करते हैं, लूज परलेट की बात करते हैं, ये जो किस्में हमारे यहाँ की जो मंजरी नवीन है ये किस्में है उसका आप कलम कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग जो बोलते हैं हम, वेज ग्राफ्टिंग के मेथड से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो हरी सिंह जी जाना आपने कि कलम करके किन किन किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, इसके साथ ही किस तरह से उपाय करके आप अपनी मिट्टी को अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहे दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
परंतु सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात और अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो जी, कन्हैया लाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी कन्हैया जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? क्या आलू की खेती की जाती है जी? और इससे जुड़े इससे किस तरह का क्या जी, अंगूर की खेती कैसे की जाती है ये आप जानना चाहते हैं? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर कुंवर बताएं जी, उज्जैन में रहते हैं साहब, ठीक है जी? जी बिल्कुल। यह वहाँ पर जो किस्में हैं, वहाँ पर एक वाइनरीज है, दो वाइनरीज है, रतलाम उज्जैन के पास में रतलाम है, रतलाम के पास में मंडसौर, और उसके इलाके में एक दो वाइनरीज है, वहाँ पर आप अंगूर की खेती अच्छी से कर सकते हैं, आपके इलाके में हो रही है। और वहाँ पर यही है कि जैसा कि हमने अभी बताया कि जो लगाना है तो एक कलम किया हुआ अगर पौधे तैयार है तो आप यहाँ से ले जाइए, हम आपको मदद करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं, और पौधे देने की वहाँ पर और तैयार करके देने की, और आप लगाई जूस वैरायटी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, जूस वैरायटी। यह राष्ट्र संशोधन केंद्र है, अंगूर अनुसंधान केंद्र हमारा पुणे स्थित, जहाँ पर मांजरी मेडिका करके एक वैरायटी है, बहुत अच्छा उसका यह है, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जो हमें हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट और हेल्थ इश्यूज के लिए हम बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंथोसाइनिन बहुत अच्छा उसमें कलेक्शन होता है, कैप्सूल्स तैयार करते हैं हम। तो ये सारी चीजें करने के लिए वो जो किस्म है मंजरी मेडिका वो आप लगा सकते हैं। लगाने का जो समय है वहाँ जो भी जनवरी का लास्ट वीक में आप उसका जो प्लांटिंग कर सकते हैं, और उसको ट्रेनिंग करने के बाद में उसको ट्रेन करिए, वाई सिस्टम है या पंडाल सिस्टम है उसके ऊपर उसको ट्रेन कर लीजिए, और उसका जो छटनी का जो समय है, जो अभी हम यहाँ महाराष्ट्र में नासिक एरिया में जो फॉलो करते हैं, खरड़ छटनी बोलते हैं, अप्रैल में एक बार छटनी करते हैं और अक्टूबर में एक बार छटनी करते हैं, तो वो दोनों टाइम आप छटनी करके आगे चल सकते हैं। बाकी का जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जो प्रैक्टिसेस हम महाराष्ट्र में, एक धुलिया है, धुलिया जो नजदीक होता है मध्य प्रदेश के, उस रीजन में जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती है वही प्रैक्टिसेस यहाँ पर भी होती है जी। बिल्कुल, तो कन्हैया लाल जी जान लिया आपने कि अंगूर की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर सुधांशु आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिलेट्स यानी कि कदन के बारे में, और किस तरह से इसकी उत्पादन से लेकर के इसके निर्यात की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि इस वक्त बहुत सारे स्टार्टअप्स इस मामले में उभर कर सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एफपीओ की भी भूमिका को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, और मिलेट्स ही नहीं अब तो एफपीओ बाकी तमाम क्षेत्र में उभरने लगे हैं। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि निर्यात की स्थिति को और बेहतर बनाने में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, और सरकार की ओर से इस दिशा में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स की अगर बात करें, चूँकि जो भी भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, भारत सरकार की जो संबंधित संस्थाएं हैं, कृषि मंत्रालय के अगेंस्ट है आपका जो फूड प्रोसेसिंग जो है, प्रसंस्कृत खाद्य का मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय, ये सब मिलके ये स्टार्टअप्स एक अच्छा इकोसिस्टम में, जो स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। अब अगर हम एफपीओ के साथ इसको कनेक्ट करना चाहेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो फार्मर जो किसान समूह की हम बात करें, किसान समूह की मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा आखिर ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जैसे भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, बट हमारी जो लैंड है, जो जो भूमि और जमीन है वो फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे उसमें है, बड़े परिवार हैं फिर उनका हिस्सा होते होते तो छोटे उसमें हो जाते हैं। तो जब हम किसी गुणवत्ता वाले उत्पादन की अगर बात करते हैं, तो हर किसान छोटे छोटे अपने खेत से प्रोड्यूस को जब पैदावार करता है तो सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है।
ठीक है। तो जो हम किसान समूह की बात करते हैं कि किसान समूह वहां पर एक ही टाइप की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कि किसी भी प्रोड्यूस को उगाने के लिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उसे फॉलो करनी चाहिए, सो दैट हमारी जो जो क्रॉप जो जो फाइनल हमारी जो फसल होगी वो कैसी हो जी, वो वो साइज में भी हो सकती है, कलर में भी हो सकती है, ग्रेड में भी हो सकती है, टेस्ट में भी हो सकती है, जो कि बेसिकली बाजार के मानकों के आधार पर होनी चाहिए बस उसमें। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे नाबार्ड है, SFAC है, NCDC है, कई और संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान समूह को कैसे बढ़ाया जाए जी। उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है जिससे वो सुदृढ़ हों, उनको पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है, उनको मार्केट से कनेक्ट किया जा रहा है। जहाँ तक अपीडा का सवाल है, अपीडा का मेन रोल है कि कृषि निर्यात से जोड़ना जी। तो अपीडा ने भी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो किसान समूह हैं, हम लोगों ने जो संस्थाएँ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दे रही हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अपीडा में करवाया है। आज की दिन में अगर हम लोग बात करें, करीब 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एक्सपोर्टर रजिस्टर किया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम नया रजिस्टर करते हैं तो शुरुआत में उनसे कहते हैं कि आप निर्यातक से जुड़िए, पहले आप समझिए कि वैश्विक बाजार में फसल आपकी कैसी होनी चाहिए, या आपका प्रोसेस प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होना कैसा चाहिए जी। फिर उसके बाद हम लोग उसमें मदद ये करते हैं कि उन्हें मार्केट के साथ कनेक्ट करने में, कि जब भी हमारे वैश्विक मेले होते हैं, बायर सेलर मीट होती है, तो उनमें हम उनकी भागीदारी को कोशिश करते हैं, वो लोग भाग लें, तो उससे है कि ना कि उनका पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है, बल्कि उन्हें पता चलता है कि बाकी जो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी उनके पदार्थ की क्वालिटी कैसी है, उनकी प्राइसिंग कैसी है, उनकी पैकेजिंग कैसी है, उनको सीखने को काफी मिलता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो काफी अच्छा इकोसिस्टम, क्योंकि एग्री स्टार्टअप जो है वो खाली प्रोडक्ट प्रोडक्शन में नहीं है, वो सर्विसेज में है, सर्विसेज में है कि जो किसानों को या हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या सर्विसेज चाहिए हैं कि जो लोग किसान अपनी अच्छी पैदावार कर सकें, गुणवत्ता वाली फसल का पैदावार कर सकें, तो एक अच्छा इकोसिस्टम एग्री स्टार्टअप और दूसरा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान उत्पादक संगठनों का बनने लगा है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। रघुवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रघुवीर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी रघुवीर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम ये पूरी जो कल ये मैं सीजन में लगाना चाहता हूँ, किस सीजन में लगा सकते हैं हम जी? आप अंगूर लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किस सीजन में लगा सकते हैं बाग? मैं एक जो जी रघुवीर जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पाई है और इसी सवाल को हम लेकर जानकारी हासिल करते हैं जी। डॉक्टर कुंवर बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हेलो रघुवीर जी, कहाँ से है? उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड में अंगूर की किस्में अच्छी से हो सकती है। वहां पर हम जैसा बोलते हैं कि जो कम से कम समय में आने वाली किस्में वो अगर लगाते हैं हम, इसमें ये है ना कि थोड़ा सा जो मैनेजमेंट का प्रैक्टिसेस है ये बाकी के जो फसल है जो बाकी के जो फल है उसकी तुलना में ये बहुत ही इसको बोलते हैं कि टेक्निकली साउंड क्रॉप है ये, शिस्तबद्ध बोलते हैं कि डिसिप्लिन होना है, सिंसियर होना है और ये सब काम करते रहना है, तभी तो NRC द्राक्ष संशोधन केंद्र जो है ना हमारा पुणे स्थित, यहाँ पर हमने एक रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान जैसे बनाया है। सुधांशु सर ने बताया नहीं कि उस वक्त जो उन्होंने प्लान बताए थे तो उस वक्त इनका सर का बहुत बड़ा योगदान रहा उस वक्त और आज भी वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारे संस्था के साथ। तो ये उस हिसाब से जिस तरह से हमने रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान बनाया है उसी तरह से हम वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अलग अलग वातावरण के लिए अलग अलग किस्मों के लिए तैयार किए हैं। वो जैसे कि अपने नॉर्थ में है, वो एक बार छटाई और एक ही बार उसको फसल लेना है, वहां पर कौन सी जो प्लांटिंग टाइम है वो प्लांटिंग टाइम अलग होता है, जनवरी के टाइम पे हमें उसको प्लांटिंग करना है, उसको ट्रेन करना है और आगे का छटाई करनी है, फिर से एक जनवरी में ही ट्रेनिंग करना है, उसका छटाई करना है, छटाई करके जो नया जो ये निकले फूट निकलेगी, नया जो ग्रोथ आएगा
उसके ऊपर हमको फिर से मैनेजमेंट करना है। उसमें फिर संजीवक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इरिगेशन मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें उसमें एक साथ होके वो हम फसल तैयार करते हैं जी। तो वहाँ का जो लगाना है मिट्टी जो है वहाँ की, वो मिट्टी ऐसी चाहिए कि जिसमें पानी हमेशा के लिए जमा ना ठहरने वाली जमीन हो, मतलब पानी को तो निकल जाए, पानी जमीन से निकल जाए, हमेशा वो जमीन अच्छी रहे, एरेशन उस जमीन में अच्छा रहे, हवा बोलते ना हवा खिलती रहे। इस हिसाब से अगर हम प्लांटिंग करते हैं, ऐसे जमीन में अगर हम प्लांटिंग करते हैं तो उसमें समस्याएं कम होती है, क्योंकि उसका जो जड़े है, जड़े इसकी ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 फीट तक जाती है। वो जड़े वहां तक जब जाती है तो उसको बढ़ने के लिए जमा जगह चाहिए, बढ़ने के लिए स्कोप चाहिए, तो ऐसी मिट्टी वहां चाहिए। वो मिट्टी आपके वहां के उस एरिया की, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उस एरिया में ऐसी मिट्टी है तो वहां पर कोई समस्या नहीं होगी। और अभी उसमें कमर्शियल क्रॉप अगर लेना है, उस कमर्शियल लेवल पे अगर हमको करना है, जैसे कि 5 एकड़ 6 एकड़ अगर उसको क्या है, इसमें एक है कि इसमें 1 एकड़ में कम से कम 6.5 से 7 लाख रुपया लागत लगती है पहले साल में, पर किसान के लिए ये हो सकता है, संभव नहीं है। तो ऐसे इसमें ये किसान ने अपने कुछ 10 पौधे 15 पौधे या 50 पौधे जो हम किचन गार्डनिंग बोलते हैं ना, उसी पैना इतने पैमाने में अगर वो कर लेता है तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जी, उसका कॉन्फिडेंस। और तो रघुवीर जी, जाना आपने कि किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, कम पौधों के साथ अंगूर की खेती की शुरुआत करें और कुछ सावधानियां इन्हें बरतनी जरूरी होती है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक अंगूर की खेती कर पाएंगे। बहरहाल इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील चौधरी जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सुनील जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी बताएं। नमस्कार मैम, मैं हिंडौन सिटी राजस्थान से सुनील चौधरी बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि अंगूर की खेती जो है वो किस प्रकार की मिट्टी में उपयुक्त रहती है? ठीक है। और मैडम किस मौसम में हम उसको उगा सकते हैं?
जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह का सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी आया है, इसे भी मैं शामिल कर लेती हूँ। छत्तीसगढ़ से आमा खोड़ा दीजिए सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या अंगूर की खेती की जा सकती है और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो एक जैसे ही सवाल है, बताएं डॉक्टर कुंवर इसके बारे में। जी चौधरी साहब, आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में आपको अंगूर की खेती करनी है, मिट्टी की जरूरत, मिट्टी कैसी होनी है, तो हल्की से मध्यम उसकी जो प्रत होती है, जो क्वालिटी होती है, उस हिसाब से वो ऐसी मिट्टी, ज्यादा भारी ना हो और ज्यादा पथरीली ना हो। ज्यादा पथरीली अगर मिट्टी है तो उसमें जड़े जो है, जड़े अंदर जाएगी नहीं, जा नहीं पाएंगी, और जाती भी है तो वहां पर पानी और जो अन्न द्रव्य है जो हम सप्लाई करते हैं पौधों को, वहां पर ठहरेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी की मात्रा कम है। ज्यादा भारी जमीन अगर है तो ऐसी जमीन में क्या होता है कि वहां पर मिट्टी ऐसी पकड़ के रखेंगे, पानी पकड़ के रखेंगे, तो वो मुश्किल होगा, वहां पर भी जड़े जो है उसके खराब होते रहेंगे। तो इसके लिए हल्की से मध्यम प्रति की जो जमीन है, जिसमें पानी निकल जाता है, जमीन में पानी नहीं ठहरता हो, जिसका जमीन का पीएच 6.5 टू 7.2 हो, इस तरह की जमीन अगर करते रहते हैं जो है आपके पास में, तो आप अंगूर बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और अभी एक बात यह होती है कि कहीं कहीं पर इवन पथरीली जमीन भी होती है, तो ऐसी पथरीली जमीन में जब हम लगाने की भी जरूरत करते हैं और हम रेकमेंड करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये खड्डा जो बनाना है पौधे को लगाने के लिए, एक 1.5 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट ऐसा ये खड्डा है, उस खड्डे में या तो एक ट्रेंच ओपन कर लीजिए, आप चारी ओपन कर लीजिए, और उसमें वो पत्थर है, वो पत्थर निकाल के बाकी के जो मुरम है या तो जमीन है, मिट्टी है, वो मिट्टी को आप अगर मिक्स करके डाल देते हैं तो भी वो अंगूठी लगाने के लिए जो वातावरण चाहिए, वो वातावरण हम वहां पर भी तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर सोम कुमार आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है अंगूर की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुधांशु आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात की बात करते हैं और स्थितियों पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि चावल की अगर बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति निर्यात की हमारे देश से यहाँ पर दिखती है, चाहे वो बासमती हो या फिर गैर बासमती हो। इस स्थिति को और बेहतर करने के लिए और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? चावल अगर हिंदुस्तान की फूड बास्केट की अगर बात करें हम, खाद्य पदार्थ का जो हमारा बास्केट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है, और एक्सपोर्ट भी अगर देखेंगे पिछले विगत वर्षों में लगातार उसमें ग्रोथ हो रही है। तो चावल में दो है, एक हमारा बासमती है और एक नॉन बासमती है जो बासमती से अलग है। बासमती पूरे वैश्विक बाजार में पहचान है, हिंदुस्तान का बासमती राइस उसको सभी जानते हैं उसमें, और बासमती राइस जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि जो 7 जगह पर चिन्हित किया गया है 7 स्टेट्स में कि वहाँ का पैदा हुआ जो चावल है वो बासमती हुआ है। बासमती चावल को की निर्यात बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन अपीडा के तहत एक संस्था है जो मेरठ वहाँ मोदीपुरम में उसका वहाँ पर हेडक्वार्टर है, हम लोगों ने किया, वहाँ लेबोरेटरी भी है चावल की टेस्टिंग के लिए जो उसका उसमें, और बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के थ्रू हम लोग जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लगातार जितने भी बासमती ग्रोइंग एरियाज हैं जहाँ जहाँ बासमती का उत्पादन होता है वहाँ हम लोग करवाते हैं, और ख़ासतौर पर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं कि बासमती की अच्छी पैदावार, अच्छी गुणवत्ता भरी पैदावार के लिए कि कैसे उनको इस फसल को उगाना चाहिए। जी जी। दूसरा यह है कि वहाँ पर जो बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, वहाँ बीज की भी सुविधा है, बीज तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर हर स्टेट के जो किसान हैं जो अच्छी क्वालिटी का बीज चाहते हैं वो वहाँ पर दिया जा रहा है। तो जब क्योंकि जब हम निर्यात की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा गुणवत्ता वाली बात, जैसे कि पहले भी यहाँ पर चर्चा में आया, तो जब तक हमारा बीज अच्छा नहीं होगा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, पैदावार कैसे की जाए, और इसकी जानकारी जब किसान को मिल जाती है, किसान एक्सपोर्टर के साथ जुड़कर, और वो हम वैश्विक बाजार में हमारा बढ़ता है। अब इसके बाद आ जाते हैं नॉन बासमती राइस पे। नॉन बासमती की अगर हम देखें कि हर राज्य में अलग अलग किस्में हैं, उसमें हमारी कुछ किस्में ऐसी हैं जो सुगंधित चावल बोलते हैं,
उसमें तो हर क्षेत्र की अलग अलग वेराइटीज हैं नॉन बासमती के, जिसमें प्रचुर संभावनाएं हैं। अगर हम लोग देखेंगे बासमती के साथ एक समय था जिसमें हम लोग बासमती ही बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट था, लेकिन अगर पिछले अगर कुछ सालों में अगर हम देखें तो बासमती नॉन बासमती दोनों की अच्छी अच्छी संभावनाएं। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि नॉन बासमती की भी कुछ वेराइटीज हमारी अच्छी सफल हुई है वैश्विक बाजार में। तो आगे आने वाले समय बाजार में जिस तरह से मांग बढ़ रही है और पसंद किए जा रहे हैं भारत के जो लोकल खाद्य उत्पाद हैं उन्हें, तो इन संभावनाओं को देखते हुए आप भी जरूर इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। और जैसे डॉक्टर सुधांशु ने बताया, अगर किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO का गठन आप कर लेते हैं तो इससे आपकी जो राह है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। डॉक्टर सुधांशु, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें कार्यक्रम में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे और इससे उनकी आर्थिक प्रगति भी होगी। आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। अब आपको बता दें हम अगले विषय के बारे में, कल कार्यक्रम के दौरान जो चर्चा की जाएगी और उस दौरान जो विषय होंगे वो है पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास और मछली पालन। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कल के कार्यक्रम के दौरान। इसके साथ ही आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर ले अगर आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं, hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे जुड़कर आप कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और अपना सवाल भी भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113-0060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इसे आप सीधे दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और तमाम जो एपिसोड्स हैं हेलो किसान के उन्हें देख सकते हैं। इसके साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।